परेशान तरीके से मनाने के लिए पुरजोश। गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है, फिट है, एनर्जेटिक है, क्या बात है जी। आपसे जब मुलाकात होती है ना हमारी, तो वो एनर्जी उधर से निकल के इधर जब आती है ना, तो बहुत मजा आता है। शुरू में जब हमने ये शो शुरू किया तो एनर्जी इधर से निकल के उधर जाया करती थी, सब कहते थे हैं ये क्या, ये जनाब ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन अब हमने देखा है और आपके फीडबैक से पता चलता है कि सुबह के वक्त जब 7:15 पे आप ईडीवी होम पे हमें ट्यून इन करते हैं या दोपहर में 4 भी ट्यून इन करते हैं, तो एनर्जी का फ्लो अब इस जानिब से चेंज होके या बढ़ के उस जानिब से भी आने लग गया है, विच इज रियली रियली हार्टनिंग टू नो। हमें बहुत खुशी होती है। आज एक बहुत अहम मौजू के ऊपर आपसे बात करनी है आगाज में, और वो है सेल्फ क्लॉक। सेल्फ क्लॉक किस बला का नाम है भाई? सेल्फ क्लॉक इस चीज को कहते हैं कि आपको किसी घड़ी की, किसी अलार्म की जरूरत ना हो और आपके अंदर का जो सिस्टम है वो आपको बताने लग जाए कि बच्चों को उठाने का टाइम हो गया, बच्चों को स्कूल से वापस ले जाने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया। ये जो है ना, जो आपका अलार्म करता है टंग 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 टंग, ये काम आपका सेल्फ क्लॉक खुद करने लग जाए। हुआ ये है स्मार्टफोन के आने के बाद कि हमने हर दूसरी तीसरी चीज के लिए अलार्म लगाना शुरू कर दिया है, तो सेल्फ क्लॉक बेचारा कुछ काम अगर करता भी तो उसको जंग लग गया है, वो एक कोने में पड़ी हुई एक मशीन है। आज हमने करना यह है कि हमने कोशिश ये करनी है कि वो तमाम काम जो हम स्मार्टफोन के या घड़ी के अलार्म से करते हैं उनको बगैर अलार्म के करना है। लेट्स सी आपको सही वक्त पे सही काम याद आता है या नहीं। हाँ, लेकिन इस मशवरे का ये मतलब नहीं है कि आप अलार्म यूज ना करें और बहुत ही अहम काम मिस हो जाए, मिसाल के तौर पे उठना मिस हो जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंसान जब सो रहा होता है तब भी क्या सेल्फ क्लॉक चलता है? और जवाब है यस, एब्सोल्युटली। आप कभी ट्राई करके देखें, अगर आप फोकस करके सोएं कि मैंने सुबह 6 उठना है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि वाकई 6 आंख खुल जाती है बगैर अलार्म के। ये क्या चीज है? ये आपका सेल्फ क्लॉक है। इसको जरा आज ट्राई करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। ये ना हो कि आप बच्चे को स्कूल से पिक करना भूल जाए और सारा इल्जाम मुझ पे आए, लेकिन एहतियात से, लेकिन कोशिश कीजिए कि खुद से बॉडी आपको हर काम का उसके वक्त पे बता दे, उसकी तरफ ध्यान आपका दिला दे, अलार्म आपकी खुद बॉडी बन जाए। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आज के शो में हमारे पास आपके लिए फैसल मूवी वाला है, और आज फैसल मूवी वाला बहुत एक डिफरेंट अंदाज से अपने सेगमेंट को, अपने सेशन को सजा के लाए हैं। आई रियली लव द आइडिया एंड लेट्स सी ये सरप्राइज जब अनफोल्ड होगा फैसल मूवी वाला के सेगमेंट में। और उसके बाद अमल, मेरी क्लास फेलो, आपको पता है मैं और अमल इकट्ठे स्कूल जाते हैं और बहुत हमारी दोस्ती है, और अमल आपके लिए बहुत फेवरेट, आपके लिए चीज़ें प्लान करके टॉपिक्स पे प्रेजेंटेशन लेके आती हैं। आज बहुत ही अहम मौजू पे अमल बात करने वाली हैं, और वह है वाटर प्योरिफिकेशन, यानी गंदे पानी को हम साफ कैसे कर सकते हैं। पॉसिबल है, इसके बारे में हमें अमल बताएंगी। एंड ऑफ कोर्स हमारे मेन सेगमेंट में आज एक ऐसी टेलीविजन की, पीटीवी की ऐसी शख्सियत आ रही हैं जिनके बारे में आपको मैं सिर्फ एक हिंट दूंगा आगाज में। ये वो हैं जिनके बारे में मशहूर था कि वह जो जिस रंग के कपड़े पहनती हैं, हाथ में पेन भी उसी रंग का होता है। गेस गेस गेस, बिल्कुल सही जवाब आपका, लेकिन कुछ लोगों के लिए सरप्राइज छोड़ते हैं। आज इनसे जनाब गप लगेगी, और पीटीवी का ये जो चेहरा है, इनसे हम इनकी पुरानी यादें न्यूज रीडिंग के हवाले से। ओ, न्यूज रीडिंग, एक और हिंट दे दिया मैंने, चलो अब मैं जिप अप करता हूं वरना आपको सारे हिंट्स में दे जाऊंगा। तो बहुत मजेदार सेशन है जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं आज अपनी मेहमान के साथ। दिस इज ऑल दैट वी हैव, एंड ऑब्वियसली वी हैव ट्रेनर तहमीना एंड ट्रेनर काशिफ फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग तौफीक भाई, गुड मॉर्निंग। आज क्या है जी कुछ खास हमारे लिए आपके पास? आज डंबल्स, एज यू कैन सी डंबल्स हैं हमारे पास, डिफरेंट साइजेस के आर्म्स का वर्कआउट कर रहे हैं। मेजर फोकस इज ऑन यू नो लाइक ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स एंड ऑल। जब तक हाथों में जान नहीं होगी तो बाकी ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तो वर्कआउट का मकसद यही है, ठीक है, कि जैसे हम पूरे वीक में ही बताते रहे हैं अपर बॉडी का, लोअर बॉडी का, जिस तरह से डिफरेंट, कल हमने एब्स का बताया था, तो आज मेरे पास 2 kg के डंबल्स हैं और काशिफ के साथ एज यूजुअल 8 kg के डंबल्स हैं। कोशिश करूंगा जी। यस, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा ये, लेकिन मैं खुद भी इसलिए वेट थोड़ा सा कम लेके आई थी, क्योंकि जो बाइसेप और ट्राइसेप है, एक चीज आपने माइंड में रखनी है, छोटे मसल्स हैं ये, ठीक है। और छोटे मसल्स जो हैं, जैसे अगर आप चेस्ट की एक्सरसाइज करें या बैक की करें या लेग्स की करें,
तो यू कैन इजीली लिफ्ट लाइक 15 20 30 30 40 किलो. लेकिन बाजू का जो मसल है वो छोटा है. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन बाइसेप और ट्राइसेप की अगर बात कीजिए तो फिर ट्राइसेप बड़ा है और बाइसेप छोटा है. ट्राइसेप यानी लाइक तीन मसल्स हैं और बाइसेप चुके हम करते हैं. तो विल स्टार्ट द वर्कआउट. वार्म अप कर लीजिएगा जी. अच्छा अगर वार्म अप वैसे भी कोई इशू हो तो जैसे अक्सर लोग ये भी करते हैं कि वो लाइट वेट लेके जैसे अक्सर काशी को भी पता है लड़के ट्रेनिंग करते हैं तो लाइट वेट लेके तो दे जस्ट डू पल्सेस उससे भी थोड़ा सा जैसे हम भी कर लेते हैं तो हमारे लिए या रोप स्किपिंग का अक्सर हम बात करते रहते हैं वो एक अच्छा वार्म अप है. और सबसे आसान और सहल और आजमूदा वार्म अप जो है वो मेरे ख्याल में जंपिंग. और मैं एक बात कहना चाहूंगा अगर स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग या किसी मसल की ट्रेनिंग है तो स्पेसिफिकली जैसे हम आर्म्स ट्रेन कर रहे हैं तो स्किपिंग रोप वगैरह करने के बाद आर्म्स को भी अच्छी तरह से वार्म अप करें. बिल्कुल. उसके बाद उसकी ट्रेनिंग का आर्म का वार्म अप अलहदा से अलहदा लाजमी जरूरी है पूरी बॉडी के यानी उस बॉडी के हिस्से का वार्म अप जिसको आप ट्रेन करने जा रहे हैं. बिल्कुल वो फिर इंजरी के चांसेस कम है. काशिफ आप मेरे सामने खड़े होंगे. अच्छा जी आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेट आपने करने हैं लाइक इस पोजीशन में ये स्ट्रेट. ठीक है एंड यू डू वन. ठीक है एंड वन. आम रूटीन में आप एक्सरसाइज करते हैं बाइसेप्स कर्ल जैसे आप ये आपकी पोजीशन है लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट आपके लिए लेके हैं. बहुत इंटेंस है जी. तो ये इंटेंस इसलिए भी हो गया क्योंकि शोल्डर लेवल पे आप आ गए हैं एंड देन यू हैव टू होल्ड यानी एक डंबल आपने होल्ड किया हुआ है एंड देन आप कर रहे हैं. ठीक है तो वो भी जो है थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा. फॉर एग्जांपल आपने 10 12 रेपिटेशन एक साइड पे की एंड देन दूसरी साइड पे की. तमीना आप अगर कैमरा वन के बिल्कुल सामने आ जाए तो आपका आपका जो एंगल है वो बिल्कुल सही तरीके से. अच्छा उसी पोजिशन में आपने क्या करना है जो सेकेंड एक्सरसाइज है कि ये बिल्कुल आप यानी शोल्डर लेवल पे ये लेके आएंगे एंड देन यू डू पल्सेस ऑल द वे. तो जब आप ऊपर जाएंगे तो आप सांस बाहर निकालेंगे और जब नीचे आएंगे तो सांस जैसे आपने अंदर करना है. ठीक है लाइक इनहेल एंड एक्सहेल. तो ये पल्सेस हैं आपके. वेट आप प्लीज देख लीजिएगा. ठीक है क्योंकि मेरे पास इवन 2-2 किलो के डंबल्स हैं लेकिन इवन यू नो इट मेक्स मी टायर्ड तो थकावट हो जाएगी. तो वेट थोड़ा ना बहुत ज्यादा. अक्सर हम कहते रहते हैं कि ज्यादा वेट उठाने का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत थोप चला दी है और आप बहुत जबरदस्त जिमर बन गए हैं. अपनी बॉडी और उसकी कैपेसिटी के मुताबिक आप देखें ना हमारी फॉर्म यहाँ आ रही है. नीचे कोई सपोर्ट नहीं है. बिल्कुल एंगल बिल्कुल आपका यहाँ आ गया तो बहुत हैवी होगा. बहुत रिस्की भी है तो थोड़ा सा केयरफुल. अच्छा अगली जो एक्सरसाइज है जो कि चेस्ट प्रेस आप यूजुअली बेंच पे या मशीन पे करते हैं लेकिन आपने करना कि अगेन आपने एल्बो शोल्डर लेवल पे लाई है एंड ओपन एंड देन यू क्लोज. ठीक है ये पोजीशन है आपकी. अब काफी सारे लोग ये कह रहे होंगे कि ये तो चेस्ट की एक्सरसाइज है इसमें आर्म्स का क्या है. लेकिन आप जब चेस्ट कर रहे होते हैं तो आपका जो सेकेंडरी मसल्स हैं वो शोल्डर हैं. शोल्डर्स तो हैं और ट्राइसेप्स. ट्राइसेप्स और जब आप बैक की एक्सरसाइज करते हैं तो प्राइमरी मसल जैसे आपका बैक है और सेकेंडरी मसल जो ट्रेन हो रहा होता है दैट्स योर बाइसेप्स. प्राइमरी और सेकेंडरी मसल से मुराद तमीना का ये है कि आपका जो फोकस्ड है जैसे हम बाइसेप को ट्रेन कर रहे हैं उसके साथ दूसरा मसल भी ट्रेन हो रहा है या शोल्डर या ट्राइसेप. तो ये सेकेंडरी मसल लेकिन फोकस हमारा बाइसेप था तो ये प्राइमरी मसल. जी अच्छा जी ये हमारी एक्सरसाइज हो गई. ठीक है उसके बाद आपने करना क्या टी कर्ल्स. काफी डिफिकल्ट है हमारे लिए भी. अच्छा ये पोजीशन है जैसे आपने यूं पकड़े डंबल्स दोनों साइड पे एंड ये होल्ड करके हाई एंगल एंड कर्ल. ये दिस इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट हैमर कर्ल पोजीशन है. अगर आपको यहाँ पे मुश्किल पे लगे तो आप इस साइड पे लेके आए एंड देन यू कैन डू ये. वेरी नाइस. ठीक है तो टी कर्ल जैसे हैमर आप करते हैं यानी ये जो आपका ये वाला मसल है तो ये भी ट्रेन होगा एंड देन यू कैन डू हेयर और या आप ये. ठीक है फॉर एग्जांपल यू डू 10-12 रेपिटेशंस. उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है हमारी जी. अच्छा बेंट ओवर रो हम यूजली ये बेंड करके करते हैं लेकिन आज हमने स्ट्रेट करने हैं तो इसी पोजिशन में स्ट्रेट कर रहे हो कि ये देखिएगा ये राइट. ब्रीथ इन. काशिफ आप बिल्कुल अगर एंगुलर हो जाए तो हाँ साइड से बॉडी को किस एंगल पे रखना है ये हमें क्लियरली पता लग जाएगा. सिर्फ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आम रूटीन में बेंट ओवर रो हम ये कहते हैं बेंड करके लेकिन अभी चूंकि काशिफ की पोजीशन गलत नहीं है. काशिफ खड़े हम लोग इंटेंशनली ऐसे हैं क्योंकि आपने स्ट्रेट खड़े होना है फ्रंट रो करने के लिए और चूंकि वेट काशिफ के पास काफी ज्यादा है उस हिसाब से भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इज जस्ट गेटिंग पम्प्ड अप. ठीक है 10-12 रेपिटेशन आपने इसकी भी करनी है एंड देन फिर आप 3 सेट मिनिमम जैसे आपने फॉर एग्जांपल आप इकट्ठे कर ले सारी एक्सरसाइजेस एंड देन यू रेस्ट या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप हर एक्सरसाइज के बाद आप रुकेंगे और करेंगे. हर एक्सरसाइज को 3 मरतबा करना है जैसे मैंने लास्ट एक्सरसाइज की इसको 3 मरतबा करना है और हर एक्सरसाइज के दरमियान आपने रेस्ट लेना है. कितना लेना है ये आप बताइए. अच्छा जो हम अक्सर बताते भी हैं ठीक है कि मिनिमम 1 मिनट का रेस्ट
जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो एक मिनट का रेस्ट जरूरी होता है और वो दो मिनट तक भी जा सकता है अगर आप हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक, यानी अगर ज्यादा वेट उठाएंगे। और कई लोग ये समझते नहीं है कि अगर आप मसल यानी गेन करना चाहते हैं, लाइक आप खवातीन हैं या मर्द हजरात हैं, तो उसके लिए रेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप यानी मसल ब्रेक डाउन करते हैं वो रिकवर हो एंड देन आप अगली एक्सरसाइज करें। स्ट्रेंथ ताकत के लिए जी, रेस्ट रिकवरी के लिए, ये दो चीज़ें कंबाइन होती हैं। जितना रेस्ट पीरियड ज़्यादा होगा, एक मिनट से ऊपर, दो मिनट, ढाई मिनट, तीन मिनट भी जी, ये आपके मसल पुट ऑन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। रेपिटेशन, रेप्स का मुराद, रेप से मुराद ये है, हम बताते रहते हैं आपको, वन वन, ये रेपिटेशन जो हैं 6 to 8 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जिसने वजन बढ़ाना या गेन करना या स्ट्रेंथ पे काम करना है, साइज पे काम करना है, ताकत पे काम, तो रेपिटेशन 8, तकरीबन 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्विकली एक सवाल जिसका हमारे फेसबुक पे आया कि आगे सर्दियां आ रही हैं जी, तो सर्दियों में गैप कितने दिन का लेना है? 2 दिन की छुट्टी करें, 3 दिन की छुट्टी करें, 1 दिन की छुट्टी करें, आइडियल कोई रूल है या हर एक के ऊपर अपना? अच्छा, रूल तो रूल इस पे कोई ऐसा नहीं है। जैसे अब हम लोग खुद भी हैं तो हम लोग रेस्ट नहीं करते हैं, और अगर ये होता है कि कभी आपका रेस्ट डे भी, फॉर एग्जांपल जैसे हमें कहते हैं एक होता है एक्टिव रिकवरी और एक होता है कंप्लीट रेस्ट डे। अब एक्टिव रिकवरी जो होती है वो भी रेस्ट डे होता है, लेकिन उसमें होता है कि फॉर एग्जांपल आज हमने वेट ट्रेनिंग की है और अगले दिन हमारा रेस्ट डे है, लेकिन उस दिन हम जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं, और रेस्ट डे का मतलब होता है कि कंप्लीट रेस्ट है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम जो है ना हफ्ते में 1 से 2 दिन तक रेस्ट जरूर आप लें, क्योंकि यू नो एक्साइटमेंट में, ओ जी मैंने जिम जाना है, तो पता लगे बिल्कुल ही आप फिजिकली भी जरूरी है 1 या 2 दिन का रेस्ट। एक या जिस तरह से ये वर्कआउट का साइकिल होता है रेस्ट रिकवरी का, इसी तरह से न्यूट्रिशन का भी होता है। आपकी रिकवरी लो कार्ब्स डाइट, हाई कार्ब्स डाइट, वीक में 3 दिन जो लोग, कुछ लोग हाई कार्ब्स लेते हैं, कुछ लोग लो कार्ब्स लेते हैं, कोई वीक में 5 दिन हाई कार्ब्स, 2 दिन कम कर लेते हैं, तो ये भी एक साइकिल न्यूट्रिशन में भी है। अच्छा जी, एक और जो सवाल है वो ये है कि काशिफ भाई जैसी बॉडी बनाने के लिए कितने महीने चाहिए होंगे? कितने महीने डिफिकल्ट है, लेकिन ये है कि कंसिस्टेंट होना पड़ता है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, हेल्दी खाएं, हेल्दी ड्रिंक करें, और किसी भी शॉर्टकट की तरफ ना जाएं। आई वुड सजेस्ट, तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूंगी कि कोई भी जो भी चाहते हैं कि वो काशिफ की तरह फिजिक बनाएं, कुछ भी, सबसे पहले अपनी बॉडी को देखें, क्योंकि काशिफ की भी एक फिजिक है, ठीक है, जीन्स है, जेनेटिक है, बॉडी टाइप है, तो सबसे पहले इंस्पिरेशन इज गुड कि आप इंस्पिरेशन लेते हैं किसी से भी लें, लेकिन प्लीज सबसे पहले जो है अगर आपकी फिजिक बहुत ज्यादा पेटीट है, लाइक पतली है, या अगर आप बहुत ब्रॉड हैं तो वो आसानी होगी, ठीक है, तो वो भी चीज़ ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा। और बाकी ये है कि कंसिस्टेंसी जो है इज़ द की, कि जैसे काशिफ और बाकी जितने भी लोग हैं वो कंसिस्टेंट एक्सरसाइज करते हैं, डाइट का आपने देखा है हमेशा काशिफ बार बार कहते हैं डाइट डाइट डाइट, तो वो चीज़ें करें तो इंशाल्लाह विद इन लाइक 3 months 6 months मैक्सिमम यू विल बी देयर। और असल में जो मसला है वो कि वहाँ देयर होने के बाद उसको उसके बाद मेरी क्लास फेलो अमल हमें बताने वाली है कि पानी को हमने प्योरिफाई कैसे करना है। वाओ, गुत्थी सुलझने लगी आज, रहिए मेरे साथ। जी जनाब, वेलकम बैक। हम आज लेके आए हैं आपकी फरमाइश पे द वन एंड ओनली अमल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अमल? ठीक हूँ। तुम कम कम आती हो मेरे शो में, हम जितना बुलाते हैं उतनी आती नहीं हो। अमल के बड़े नखरे हो गए, मैंने ये नोट किया है वैसे। वो आबिया को नहीं छोड़ सकते, ज्यादातर उसका मसला है। अच्छा, आबिया छोटी बहन है? हाँ, छोटी बहन का आप ख्याल रखती हैं? वाओ, वेरी नाइस। तो देखे ना, जिम्मेदारियां भी तो बहुत है ना अमल के ऊपर, छोटी बहन का ख्याल रखना, तो उसको छोड़ नहीं सकती, इसलिए जरा शो में कम कम आती। अच्छा जी, आज क्या टॉपिक है हमारा? अच्छा, टॉपिक है वाटर फिल्ट्रेशन टू हैव क्लीन वाटर। ठीक है, कि साफ पानी हासिल करने के लिए वाटर को फिल्टर कैसे किया जाता है? अच्छा, तो मेरा पहला पॉइंट है, हमें साफ पानी क्यों पीना चाहिए बताइए। आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा किलर कौन है हमारे प्लैनेट अर्थ का? हमारे प्लैनेट अर्थ का सबसे बड़ा किलर? नहीं, आई डोंट नो, बताओ। अच्छा, गंदा पानी है।
सबसे बड़ा किलर। अच्छा, यानी गंदे पानी से सबसे ज्यादा अमवात होती है और लोग मर जाते हैं गंदा पानी पी के। ओए होए होए, ये तो मुझे पता ही नहीं। इस वजह से, क्योंकि गंदे पानी में बैक्टीरियाज होते हैं, प्लास्टिक होती है, मेटल होता है, आर्सेनिक होता है। अच्छा, और उसकी वजह से जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो एक तरह से पॉइजन बन जाता है ना। तबीयत खराबियां करते हैं और फिर डेथ्स हो जाती है। ओके, तो अब इसका हल क्या है? इसका हल है ये वाटर फिल्ट्रेशन, ये एंड पॉइंट में आएगा। ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट है, व्हाट इज वाटर फिल्ट्रेशन? वाटर फिल्ट्रेशन एक मेथड है साफ पानी लाने का। अच्छा, उससे ऐसे लेयर्स बनती हैं, फिर ये साफ पानी आता है हमारे लिए। हाँ, वो पूरा एक प्रोसेस होता है, फिल्टर हो जाता है पानी, फिल्टर हो जाता है, यानी गंदगी एक तरफ रह जाती है और साफ पानी एक तरफ निकल आता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये असल वो रियल मशीन नहीं है। रियल मशीन्स के अंदर क्या होता है, वो यूवी लाइट वगैरह भी होती हैं। अच्छा, वो तो प्रॉपर फिल्ट्रेशन प्लांट से होते हैं ना वो तो। लेकिन समझने के लिए आज आप ये लेके आई हैं हमारे लिए, अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है। अच्छा, तो थर्ड पॉइंट है हाउ इट वर्क्स, हाउ डज फिल्ट्रेशन वर्क। ठीक है, बताइए। तो ये डर्टी वाटर है। ये डर्टी वाटर है जी, इसके अंदर है ऑयल। अच्छा, और इसके अंदर है पानी, साफ पानी, और इसके अंदर मिट्टी भी डाली है। इसमें मिट्टी है, इसमें तेल है, और इसमें साफ पानी भी है, जो कि अब इसमें जाके गंदा हो गया। सब कुछ मिक्स हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको हम लोग इसमें डालेंगे। अच्छा, इसमें ये भी तो अमल साथ साथ, वो हम साथ साथ बाद में बताएंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है जी, ये एक प्रोसेस है जिसको। अच्छा, ये ग्रेवल है, ग्रेवल स्टोन्स, इन स्टोन्स को कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर है ग्रेवल स्टोन्स, फिर जैसी ये सैंड है, ये सैंड है, सैंड ऑयल को स्टॉप करेगी। अच्छा, ये है एक्टिव कार्बन और ये है फिल्टर पेपर। ठीक है, सबसे पहले बताओ ग्रेवल स्टोन क्या कर रहा है। ग्रेवल स्टोन जैसे दो छोटी छोटी स्पेस हैं, दो जैसे ग्रेवल स्टोन्स में, ग्रेवल स्टोन्स में, तो पानी उनमें से क्रॉस कर रहा है, छोटी छोटे छोटे होल्स हैं, तो उनमें सैंड ऊपर रुक रही है। मोटे जो मिट्टी के जर्रे हैं वो यहाँ पे रुक गए, फिर पानी नीचे आया तो आगे सैंड, सैंड ऑयल को रोक रही है, क्योंकि उसमें और छोटे छोटे, तो ऑयल जो है वो यहाँ पे फिल्टर हो गया। फिर ये काला काला क्या है? ये है एक्टिव कार्बन। एक्टिव कार्बन, ये क्या होता है जी? एक्टिव कार्बन के नाम के पीछे एक्टिव आ रहा है, तो मतलब वो बहुत एनर्जेटिक होके चीजों को कैच करके रिएक्शन करना चाह रहा है। अच्छा, तो वो चीजें वही रुक रही है और पानी आगे निकल के जा रहा है, मतलब एक्टिव कार्बन इन केमिकल से रिएक्शन करके उन्हें स्टॉप कर रहे हैं, या तो किसी और चीज में बना के स्टॉप कर रहे हैं, या तो वो वैसे ही स्टॉप करते हैं। वेरी गुड। और फिर फोर्थ स्टेज पे है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्या करेगा, जो भी पानी बाकी है उसे वो स्टॉप, जो भी पानी बाकी है उसके अंदर जितने भी और चीजें हैं वो हटा के साफ पानी को नीचे गिरा देगा। यस। और ये हम देखें जनाब, अगर सब लोग इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल रहे हैं, लेकिन इसके ये हमें पी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इसमें रियल ये प्लांट नहीं है, क्योंकि तो उसके अंदर थोड़े से हो सकते हैं केमिकल्स बाकी हो। मैं तो पीने लगा था ये, तो शुक्र है अमल ने मुझे बता दिया। बट द पॉइंट इज, अमल बिल्कुल ठीक कह रही है कि आपको साथियों प्रोसेस समझाने के लिए अमल ने ये पूरा अमल किया है। और ये आखिरी उसमें जनाब, अगर हम क्लोजअप पे दिखाएं तो जो पानी गिर रहा है वो बिल्कुल क्लीन वाटर है, बल्कि अगर मैं इसको उठा लूं और आप इसको यूं दिखाएं तो शायद ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल साफ पानी है जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन इसको पी नहीं सकते, जाहिर है कि पूरा प्रोसेस नहीं है। तो ये तो आपने बड़ी अच्छी हमें चीज़ बताई है, और जो असल चीज़ आज अमल ने बताई है वो ये कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो किलर है साथियों, सबसे ज़्यादा जो अमवात होती है ख़ासतौर पे बच्चों में, वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना होने की वजह से, पीने का साफ पानी ना होने की वजह से। पाकिस्तान में 21 मिलियन लोग हैं जिनके पास साफ पानी नहीं होता पीने के लिए, और वो गंदा पानी पीते हैं और उनसे बीमार होते हैं और फिर डेथ्स भी होती हैं। 21 मिलियन, यानी कि तकरीबन
2 करोड़ अफराद ऐसे हैं कि जिनके पास पीने का साफ पानी की सहूलत नहीं है। अमल थैंक यू सो मच। कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बताओ? अब अगर आपको समझ आ गया है फिल्ट्रेशन, तो अगर आप कोई गंदा पानी देखें तो आप फिल्टर भी कर सकते हैं, या तो जब आप पानी पी रहे हैं तो आप देखें कि गंदा पानी है कि साफ पानी है। इस चीज़ का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है कि गंदा पानी आपको बीमार कर सकता है, तो मेक श्योर कि आप पानी साफ पिए। वंडरफुल। अमल हमेशा आती हैं और हमें हैरान कर जाती हैं, हम सोचते हैं कि अगली दफ़ा अमल को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक देंगे, है ना? तो अमल को हम अगली दफ़ा और भी इससे डिफ़िकल्ट टॉपिक देते हैं, लेकिन हर टॉपिक को अमल इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं कि वो आसान हो जाता है। तो जनाब, ये ग्रेवल स्टोन से सैंड, सैंड से एक्टिव कार्बन, और एक्टिव कार्बन से फिल्टर पेपर, और फिर हमें साफ पानी, और हमें साफ पानी मिल गया, और इसमें हमने डाला था तेल, मट्टी और पानी। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। हम चल करेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूर यहाँ ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जैसा कि मैं प्रोग्राम के आगाज में कह रहा था कि फैसल मूवी वाला आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में, एक डिफरेंट अंदाज में अपना सेशन सजा रहे हैं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह, आज के दिन आपको पता है कौन आता है? फैसल मूवी वाला। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तौसीक भाई? बिल्कुल ठीक। और आज फैसल रबीउल अव्वल के महीने के हवाले से अपने सेगमेंट को एक अलग अंदाज से सजा के लाए हैं। एग्जैक्टली तौसीक भाई, रबीउल अव्वल के महीने की मुनासबत से हमने आज सेगमेंट में हमने कोशिश की कि हम लोगों को बताएं और अपने जानने देखने वालों को बताएं कि हम जो हमारी जो पुरानी मूवीज़ थी उसमें हमदिया कलाम और नातिया कलाम जो है वो हम बहुत देखने को मिलता था हमें, और वो ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता था मूवीज़ में और पुरानी मूवीज़ में कि वो ज़्यादा फेमस हो जाते थे। एग्जैक्टली और बहुत सी नाते हैं, बहुत सी हमदिया कलाम है जो कि फिर रेडियो पे उसकी बाकायदा फरमाइशें आती थी, और इवन सिनेमा के अंदर जब वो मोमेंट आती थी तो लोग बहुत ज्यादा उसको देखने के लिए उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करने जाते थे। सबसे पहले मैं चाहूंगा तो सीख भाई हम जाके वो हमारा पैकेज देखते हैं। ठीक है, कुछ मूवीज मैंने सेलेक्ट की हैं कि हम अपने देखने वालों को दिखाएं कि वो कौन कौन सी ऐसी मूवीज थी और किस सन में, मैंने साथ ईयर भी लिखा है उसके कि हमारे नाजरीन को पता चले कि वो नातिया कलाम क्या थे और कितने मशहूर थे। और बहुत सारे ऐसे हमारे देखने वाले व्यूवर्स होंगे जो बिल्कुल जिन्होंने देखा हो, वो मूवीज देखी होंगी और वो रिलेट कर पाएंगे, उस टाइम को याद कर पाएंगे। तो चल के देखते हैं वो पैकेज, फिर उसके बाद उस पर बात करें। बिल्कुल ठीक है जी। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत दौर था, और कितने आर्टिस्टिकली, और वो कलाम कितना खूबसूरत, और वो आवाजें कितनी हसीन, बहुत ही लुत्फ आया जी। तौसीक भाई आप देखें, इसमें बहुत सारे ऐसे हमदिया और नातिया कलाम थे जो आज भी जो है बहुत ज़्यादा फेमस हैं और आज भी लोग उनको सुनते हैं। Exactly. और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक हमारा प्राइवेट शो है जो बहुत फेमस है, हमारे पाकिस्तान की शनाख्त बन चुका है, उसमें भी आपको बहुत सारे हमदिया कलाम और नातिया कलाम सुनने कोक स्टूडियो के अंदर जी कोक स्टूडियो के अंदर सुनने को मिलते हैं। और आप ये देखें कि मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपने देखा कि जितनी भी मूवीज़ पुरानी थी उसमें ये एक खास ऐसा मुकाम आता था उस हीरो या हीरोइन की ज़िंदगी में जहाँ पे जो राइटर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे, वो कसदन इसको यूज़ करते थे हमदिया और नातिया कलाम। मतलब किस तरह की सिचुएशंस होती थी? मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिचुएशन होती थी वो क्लाइमैक्स के लिए यूज़ करते थे। फिल्म के अंदर जब क्लाइमैक्स लाना होता था तो वो हमदिया और नातिया कलाम को यूज़ किया जाता था, और उसके अलावा ख़ास तौर पर कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना होता था तो सिख भाई अपने आप के साथ बात करनी होती थी। वाह, आज आप शो में बात कर रहे थे ना स्टार्ट में कि अपने आप से बात करना, खुद से सेल्फ टॉक करनी होती थी, अपने अंदर की कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होता था, अल्लाह ताला से बात करते थे, दुआ मांगते थे, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ कोई हादसा हो जाता था उस फिल्म में, कोई कोई खुदा नखास्ता मरने वाला होता था तो हीरो हीरोइन जो है वो दुआ मांग दुआ के दुआ के उसको यूज किया जाता यूज किया जाता। मेरा ख्याल है सिनेमा के अंदर जब वो पूरी फिल्म के साथ जब आप लिव कर रहे हैं 1.5-2 घंटे
और उसके बाद जब ये कलाम सुनने को मिलता होगा तो मेरा ख्याल है आंखें यकीनी तौर पे अश्कपार होती हैं। बिल्कुल होती थी। और मैं आपको बताऊं तो सीख भाई कि जब ये हमदी और नातिया कलाम जो थे ये रेडियो पे इतना ज़्यादा चलाया जाता था इनको, और टीवी पे इतना ज़्यादा चलाया जाता था कि मूवीज़ जो हैं वो ये ज़्यादा माशाल्लाह फेमस होते थे और लोग इनकी वजह से सिनेमा घरों में जाते थे कि वो वाली जो नात है उसकी जो फिल्म लगी हुई है वो फिल्म देखने exactly. या वो जो हमदिया कलाम है वो उस फिल्म में है तो वो फिल्म देखने। बिल्कुल। और तो सीख भाई लोग रिलेट करते हैं, हम सब का अपना अपना बिलीफ है और हम रिलेट करते हैं और हम देखना चाहते हैं। चूँकि फिल्में जो हैं हमारे माशरे की कासी करती हैं तो ऑफकोर्स इस तरह का जो कॉन्टेंट है जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और राइटर्स जो मूवीज में डालते हैं वो एक नाजिर के लिए बहुत अहमियत का हामिल। एग्जैक्टली। और यही वजह है कि आप देखें कि कोक स्टूडियो का आप जिक्र करें उसके अंदर भी जो फ्यूजन और एक्सपेरिमेंट किया गया हमदिया कलाम के साथ, नातिया कलाम के साथ या मनकबत के साथ वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। बड़े बड़े आर्टिस्ट ने बड़ा फख्र महसूस किया कि मैंने वो हमद या वो नात जो है वो कोक स्टूडियो में मैंने की है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी हमदिया और नातिया कलाम हैं कोक स्टूडियो का आप जिक्र कर ही रहे हैं तो आप देखें कि अगर आप YouTube पे जाके देखें तो उनके व्यूज सबसे ज्यादा, उनके व्यूज सबसे ज्यादा। ग्रेट फैसल, थैंक यू सो मच। बहुत लुत्फ आया आज रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के हवाले से आज फैसल मूवी वाला ने अपना सेगमेंट जो है उसको खास तौर पे आपके लिए सजाया और मेरा अब वाकई दिल कर रहा है। वो पैकेज में तो एक एक लाइन या एक एक अस्थाई थी उस नात की हमद की और दिल कर रहा है कि अब उसको बाकायदा पूरा सुना जाए। बिल्कुल। साबरी ब्रदर्स की आपने देखी होगी वो बहुत अच्छी थी उसमें। exactly. मेरी फेवरेट है। बाकी भी बहुत अच्छी थी। अल्लाह ही अल्लाह किया करो तो आज भी मेरा ख्याल है कि उतना ही पॉपुलर है। सुबीहा खानम साहिबा की आपने देखी। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे, मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा बेगम, रंगीला, ये सब लोग बड़े उस वक्त के स्टार्स जो है दे मस्ट हैव फेल्ट प्राउड के जब उन्होंने वो No doubt. Great, thank you very much. God bless you. Have a good day. हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक और मशहूरियां ब्रेक के बाद आपको पता है ना कि कौन आ रहा है? हाँ, वो आ रही हैं जिनके कपड़े उनके पेन के साथ मैच करते थे। आज जरा चेक करते हैं आज पेन मैचिंग है या नहीं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। आज एक ऐसी नशिस्त है ब्रेकफास्ट एट होम में एक ऐसी शख्सियत के साथ के जिनके जिनसे खबरें तो सुनी ही जाती थी लेकिन उनके फैशन, उनकी कलर सेंस को और उनकी मुस्कुराहट को और उनकी ज्वेलरी की सेंस को बाकायदा फॉलो किया जाता था 80s में, 90s में। और ये एक हाउस होल्ड नेम था जिसका नाम था इशरत फातिमा और फिर वो इशरत साकिब हो गई और हमने बड़ी मुश्किल से इनको सेट्स पे लेके आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ कि आप मेरे शो में। खुशी रखे जी, मुझे भी खुशी है कि आपने मुझे बुलाया। अच्छा ये बताइए कि आप तो कुछ अधूरी अधूरी सी लग रही हैं, वो पेन किधर है? ये ब्लू के साथ ब्लू मैचिंग पेन तो हम देख रहे हैं। क्योंकि खबरों का स्क्रिप्ट भी तो नहीं है तो पेन जो है वो उस प्रॉप का हिस्सा है। बिल्कुल। ये पेन वाला आइडिया किसका? खाली दिमाग का क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब शादी नहीं होती तो शैतान का घर होता है दिमाग तो नई नई बातें सोचती हैं बाद में तो मत मारी जाती है। अच्छा, शादी के बाद मियां का घर बन जाता है शैतान की जगह? नहीं नहीं नहीं, तो बस वो फिर सोचा कि क्या कुछ मुख्तलिफ सा किया जाए। तो फिर ये अच्छा लगा कि तब हम और तो ज़्यादा कुछ इतना इसमें कर भी नहीं सकते थे। नहीं कर सकते। हाँ जी, तो मैंने बस जहन में आया, ज़ाहिर पढ़ती भी थी कि कपड़ों के साथ मैचिंग के पेन जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ। और मुझे याद है कि लोग फिर आपको बकायदा पेन तोहफे गिफ्ट किया करते थे। हाँ, बहुत शुक्रिया उनका। तो वो कहाँ है पेन सारे जमा करके रखे? बिल्कुल रखे हुए हैं। मोहब्बतों को तो आप संभाल कर ही रखते हैं ना। अच्छा, और दूसरा अब अगला सवाल वो भी बहुत जरूरी है, अगर वो ना किया तो बहुत से नाज़रीन मुझसे नाराज हो जाएंगे। भाई इशरत साकिब आई थी, उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि जो नोज पिन है जी, ये कोका जो है ये एक ही है जो तब से चला आ रहा है डायमंड का या नहीं? इसके काफी सारे वो बन चुके हैं क्योंकि अगर एक गुम हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती थी क्योंकि वो इतनी बड़ी नाक के ऊपर उसको छुपाने के लिए फिर ये मैंने पहना कि जरा तवज्जो नाक पे कम जाए। अच्छा, आपका जो अंदाज
और खबरनामे के बाद या खबरों के बाद बिल्कुल संजीदा और शाइस्तगी के साथ, सॉफ्टनेस के साथ पढ़ते पढ़ते आखिर में एक वो मुस्कुराहट हुआ करती थी, और ये वाली तो ये भी, ये तीन चीजें बाकायदा लोग फॉलो करते थे। कैसा लगता है वो यादें, वो मोमेंट्स, लोगों की वो मोहब्बत, वो प्यार? वही जिंदगी है बस। देखें आप, अभी मैं कुछ दिन पहले एक शादी में गई, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, ख़वातीन हज़रात, मुझे मिलके बड़ी मोहब्बत से तस्वीरें बनवाने लगे और मिल रहे थे। तो उनमें से खातून ने मुझे कहा कि आपको बुरा तो नहीं लग रहा कि हमारे सारे रिलेटिव आपके साथ इस तरह से आके? मैंने कहा मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि आप किसी को अपने से मोहब्बत करने के लिए, अपनी इज्जत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये अगले बंदे की मेहरबानी है कि वो आपकी इज्जत कर रहा है, आपसे प्यार कर रहा है, तो हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए ना, क्योंकि हम उन्हीं के लिए हैं और उन्हीं की वजह से हैं। रेडियो और टेलीविजन दोनों कैरियर्स को आप साथ लेके चली और साल हर साल गुजर गए। क्या रेडियो पे इशरत और अंदाज में खबरें पड़ती है, टीवी पे और अंदाज में? कोई फर्क होता है रेडियो के माइक्रोफोन और टीवी के माइक्रोफोन? नहीं, पोस्चर में थोड़ा फर्क होता है और थोड़ा सा आपकी डिलीवरी के अंदाज में कि आप जेस्चर्स आप क्या दे रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ। रेडियो पे आप थोड़े से रिलैक्स होते हैं, हिल भी लिया, इधर उधर देख भी लिया। टेलीविज़न पे आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस के लिए, अपने बॉडी के मूवमेंट्स के लिए, क्योंकि ज़ाहिर इतने लोग आपको देख रहे होते हैं। कोई ऐसी खबर जो आज तक याद रह गई, कोई ऐसी मोमेंट जिस पे अपने जज्बात को और एक्सप्रेशन को बहुत काबू करना पड़ा? तो ऐसी बहुत सारे मेरे माशाल्लाह। देखिए मैंने 83 से काम शुरू किया और मैं बुनियादी तौर पर न्यूज़ रीडर ही हूँ, और मैंने जाहिर है कि ऐसे बहुत सारे अहम मौके आए जो कि मैंने पढ़े, लेकिन सबसे अहम मौका जो था वो मुझे वर्ल्ड कप जीता जब पाकिस्तान ने, अरे 1992, वो टेलीविज़न पे मैंने पढ़ा उस दिन बुलेटिन। और मुझे याद है जब इमरान खान और बाकी सारे खिलाड़ी ट्रॉफी लेके पूरे ग्राउंड में दौड़ते फिर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे उसका। और फिर फॉरेन ऑफिस में एक रिसेप्शन हुआ था जिसमें बड़ा मशहूर होता था गेस्ट हाउस एक ड्रामा उन दिनों, जी जी जी। रैम्बो बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सारी टीम, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर था ड्रामा, तो वो और न्यूज़ की तरफ से मैं उसमें गई थी। हम नुमाइंदगी की आपने टेलीविजन, क्रिकेट टीम को बुलाया हुआ था उन्होंने, तो ये मुझे याद है। इसके अलावा हवाले से तो बहुत सारे जो भी उतार चढ़ाव आते हैं तो वो जाहिर है होते हैं, आप करते हैं और आपको याद भी रहते हैं। मुझे याद है वो आपका एक वाकया बहुत मशहूर हुआ था जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई और वो खबर तक पहुंचना और वो एक बड़ा चैलेंज था, उस खबर को पढ़ना। वो यूं था कि देखिए फ़ोन आया दफ्तर से, रेडियो से, कि गाड़ी आपको लेने नहीं आएगी, हालात बहुत ख़राब हैं। तब मैं बहुत दूर रहती थी और मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, तुम ड्राइव करके नहीं जा सकती, सूरत हाल बहुत ख़राब है, बच्चे मेरे इतने छोटे थे कि हम उनको घर में अकेला छोड़ भी नहीं सकते थे। मुझे याद है बहुत अच्छी तरह कि मैंने अपने बच्चों को पिछले इस सीटों पे नीचे बिठाया ताकि अगर शीशे टूटें गाड़ी के तो मेरे बच्चों को ना लगे। और आप, और फिर हम लोग गए निकले। बिल्कुल, और जगह जगह बीसियों जगह पे आगे लगी हुई थी और हंगामे थे, और मैं उतरती थी गाड़ी से, उन लड़कों से रिक्वेस्ट करती थी कि बेटा हमें तो गुजर जाने दो। तो फिर इस तरह मैं दफ्तर पहुँची और फिर वो खबर पढ़ी। जी बिल्कुल, बड़ा इमोशनल मोमेंट होगा इस तरह की खबर पढ़ना। जी, जब वो खबर पढ़ी उस वक्त मैं रेडियो में थी, ये मैं दूसरे दिन की बात कर रही हूँ। अच्छा। क्योंकि हंगामे तो काफ़ी दिन जारी रहे थे। जी। पहले दिन जब मैं दफ्तर में थी और हमें पता चला कि इस तरह फायरिंग हो गई है, और इस तरह के मोमेंट्स को एक न्यूज़ रीडर कैसे कैसे काबू करता है, चाहे किसी की, किसी बड़े शख्सियत की जी डेथ की खबर हो, या उन इमोशंस का इजहार जो है, क्या वो पार्ट ऑफ द गेम है, या आपके ख्याल में एक अच्छा न्यूज़ रीडर वो है जो अपने इमोशंस को जाहिर ना होने? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपका काम जो है, एक न्यूज़ रीडर का बुनियादी काम क्या है, खबर को पहुंचाना, ठीक है, और डराना नहीं, ठीक है, और खुद पे भी, खुद भी पेशेंस के साथ रहना, और दूसरे के लिए भी आप पैनिक क्रिएट ना करें। तो हम, मेरे लिए बिल्कुल यकीनी नहीं था ये, इसके बावजूद कि जब पता चला था कि फायरिंग हो गई है और हॉस्पिटल ले गए हैं मुतरमा को, तो यही तवक्को थी कि कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो जाएंगी, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, एक और वाक्या बड़ा मशहूर है कि जब एक सिटिंग गवर्नमेंट के बारे में आपको शायद गन पॉइंट पे
या कोई डन पॉइंट तो नहीं था, लेकिन कोई आ गया था स्टूडियो में और उसने और आपने बड़ी ज़हानत से उस मामले को हल किया कि एक गवर्नमेंट की जगह किसी दूसरे शख्स के नाम दे दिया गया कि इनको वज़ीर-ए-आज़म अनाउंस कर दो. व्हाट वाज दैट, वाज दैट क्विकली बताइए ताकि हम उसके बाद में गवर्नमेंट थी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी. और मैं जब बुलेटिन लेके अंदर चली गई तो नायब कासिद हमारे साथ अंदर आते हैं, तो वो नॉर्मल सी बात है. तो वो आए और उन्होंने आके मुझे एक गत्ते के ऊपर लिख के दिया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट संभाली. अब मैंने कुछ लम्हे सोचा कि यार ये 10-12 कदम ही चली हूँ मैं, इतनी सी देर में गवर्नमेंट चेंज होगी क्या होगा. फिर मैंने फौरी तौर पर कुछ लम्हे जब मैंने इंतज़ार किया तो उन्होंने इतनी देर में बुलेटिन फाड़ना शुरू कर दिया. सारा बुलेटिन हैंड रिटन होता था तो, और उसकी कोई कॉपी नहीं होती थी. बुलेटिन फाड़ने लगे, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो कोई सूरत हाल ठीक नहीं है. मैंने एक कफ की होती है जैसे आवाज़ बंद हो जाती है, मैंने उसको ऑफ़ किया और मैं खड़ी हो गई. जब मैं खड़ी हुई तो वो मेरी कुर्सी पे बैठे और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया. अब मैं सोचती हूँ कि अगर वो कफ की जो है वो खुली रह जाती और उनकी आवाज़ ऑन एयर चली जाती. और ये वो वक्त था कि रेडियो पाकिस्तान उस तरह से FM का दौर नहीं था, रेडियो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा लिसनिंग थी, तो वो एक पैनिक मच जाता पूरे मुल्क. तो वो फिर बड़ा हंगामा हुआ बहरहाल बड़ी अंदर स्टूडियो के. और इशरत को बहुत सताइश हुई कि भाई हमारे जहानत से काम थे. कफ की के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते चलें कि रेडियो के अंदर जब आप स्टूडियो में बैठे होते हैं, कफ, कफ से मुराद खांसी, उसको कहते हैं खांसी की की चाबी है कि अगर आपको खांसी आ रही है तो वो एक बटन अंदर से न्यूज़ रीडर या ब्रॉडकास्टर खुद से कंट्रोल में होता है, आपके कंट्रोल में होता है, आप उसको प्रेस करते हैं, उसके बाद खांस लें, गला साफ कर लें और फिर बटन को ऑन करें. तो वो उसकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, वो जो भी तकरीब का था नहीं, कि उसको नहीं पता था कि कफ की इशरत बंद कर देगी. सो इसका मतलब है presence of mind भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी. जी, ये तो न्यूज़ रीडर के लिए जो बुनियादी जो चीज़ें हैं उनमें शामिल है presence of mind. इशरत साकिब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सी यादें हैं इनकी और बहुत सी यादें हैं आपकी इनके साथ जो आज हम ताज़ा कर रहे हैं ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे. एक छोटा सा मशहूरियाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम इशरत से आज का जो अंदाज है खबर दूसरे तक पहुँचाने का उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि वो लगता है कि एक्साइटमेंट कुछ एनर्जी ज्यादा आ गई आज के न्यूज़ रीडर्स में, उस पे इशरत का ओपिनियन लेंगे, इनकी टेक लेंगे. रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं. जी जनाब, वेलकम बैक. इशरत आज हमारे साथ मौजूद हैं, इशरत साकिब, और बहुत सी बातें, बहुत सी यादें. अच्छा जी, ज़रा बताइए ना कि उस ज़माने में तो मतलब इशरत, महपारा, सरैया शहाब, अब्दुल सलाम, अज़र लोधी, खालिद हमीद साहब, अब ये वो नाम है कि जिनका अंदाज़े बयां ऐसा सॉफ्ट म्यूज़िक, मैं कहता था ऐसा लगता था मौसीकी आप सुन रहे हैं, लेकिन अब मौसीकी में कुछ रॉक ज्यादा आ गया है. ये रॉक खबरें आपको कैसी लगती हैं? बस एक अंदाज है, ठीक है. वो कहते हैं ना कि सबात एक तगैयर को है जमाने में, तो शायद तब्दीली अच्छी लगती होगी लोगों को. हम तो लोगों की बात ही नहीं कर रहे, हम तो आपकी बात कर रहे हैं. आपको कैसे लग रहा है कि ये जरा ऐसे लगता है? मुझे मतलब नहीं इतना अच्छा लगता. देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरा न्यूज़ जो है, न्यूज़ रीडर का काम जो है वो खबर पहुंचाना है बस, और ख़बर पहुंचाने के लिए इतना जोर लगाने की, इतनी जान मारने की कोई ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल ठीक है. तो वो जो जोर है वो आपके ख्याल में अननेसेसरी है, गैर ज़रूरी? जी, माजरत के साथ. हाँ, ली आपका ओपिनियन हाँ. है और आप हाँ. माशाल्लाह एक अथॉरिटी हैं, आप गुरुज में आती हैं इस काम के, और आपकी बात को वैल्यू करते हैं लोग, इसलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं. तो अगर वो सॉफ्ट हो जाएं और धीमे अंदाज में खबर पहुंचाने लग जाएं, तो वो जो मुकाबले की सी फजा है कि कंपटीशन के किसने ज्यादा जोश से खबर सुनाई, वो कहीं पीछे रह जाए. जोश से सुनाई और पहले सुनाई, ये भी बड़ा इशू बन गया है कि ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो हमने ब्रेक करनी है, चाहे अब वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है या नहीं बनती. एक तो ये बात, इसकी कोई वो नहीं रही, तफरीक नहीं रही कि क्या खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है और क्या नहीं है. दूसरी बात ये कि पहले दौड़ के चक्कर में आप भले बाद में माजरतें करते रहें
कि जी हम माजरत चाहते हैं, हमने गलत दे दिया, बाद में पता चला कि यूँ, तो स्टेट चैनल का ये है कि ठीक है थोड़ा सा देर से तो देते हैं रेडियो टेलीविजन, लेकिन मुसद्दका होती है, क्रेडिबिलिटी जो है ना उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप खुद भी काफी ब्रेकिंग न्यूज का हिस्सा रही। हिस्सा रही? हाँ हाँ, मतलब ये कि वो शादी के हवाले से मुझे याद है आपकी जब शादी हुई तो वो कोई खबर एक बड़े आपके आपका कोई कोई बात थी जिसको बहुत फिर उसके बाद के जी शादी होती नहीं है कि हाँ, की जाती जी, है कि जी, क्या? वो एक इंटरव्यू था तो वो किसी ने सवाल किया शादी के बारे में कि शादी क्यों नहीं कर रही। मैंने कहा शादी की नहीं जाती, शादी हो जाती है। तो उसको उन्होंने नेगेटिव लिया और उन्होंने बड़ी हेडलाइनें निकाली उसकी अपने इंटरव्यू में, और मैं बड़े दिन सफाइयाँ देती रही कि मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद था कि अल्लाह मियाँ की तरफ से होती है। और फिर बल्कि मैं आपका और नरगिस का इंटरव्यू एक दिन देख रही थी तो उसमें आप लोग इसी शो में आप लोग उसको उसी को सेकेंड कर रहे थे कि, और वाकई मतलब ये ऐसी चीज़ है कि जो आपके इख्तियार में नहीं है। अच्छा। शादी का होना तो ये तो अल्लाह की तरफ से रिश्ते बने होते हैं, वक्त लिखा होता है। शादी पसंद की? सेमी कह ले सेमी। पसंद की भी थी और जाहिर है कुछ घर वालों की भी मर्जी थी। अच्छा, मुझे याद है कि 2006 की बात है। जी बिल्कुल, 2006 में जब आप मेरे शो में आई थी, इसी शो में, सन मुझे याद नहीं आ रहा, 2008 था या 6 था, जब ये राइजिंग पाकिस्तान के नाम से यही वाला शो में किया करता था। 2008 तो उसके अख्तिताम पर आपने एक बात की थी अपने बेटे और बच्चों के हवाले से और उनकी शादियों और उनकी पसंद की शादियां और कुछ हवाले से। और मैंने कहा था कि इशरत 10-15 साल बाद मैं आपसे पूछूंगा, और इत्तेफाक है कि तकरीबन 10 साल बीत गए हैं। तो इशरत ने कहा था कि जी मैं तो जिस दिन अपने बेटे की शादी करूंगी, उस वक्त बहुत छोटा था, उस वक्त आप तो माशाल्लाह जवान हो। जी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में है शामीर। एग्जैक्टली, तो इन्होंने कहा था कि जी मैं वो माँ हूँ जो अपने बेटे की जब शादी करेगी ना तो दुल्हन को घर लाते के साथ ही उनको तो मैं अलहदा घर लेके दूंगी, वो अपना घोंसला अलहदा बनाए और उसको वो सास के साथ उसकी मैं जिंदगी नहीं गुजारना है। तो मैंने कहा था ये जब सास बनने लगोगी ना इशरत तब मैं पूछूंगा। तो अब भी ख्यालात वही हैं कि बहुओं को अलहदा रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि देखें माएँ जो है ना वो उनके दिल बहुत छोटे होते हैं और आप अपने बच्चों को इवन बेटियों को भी शेयर नहीं कर सकती दामादों के साथ। हाँ। और बेटों को तो जाहिर है 24 घंटे आपने देखना होता है, तो इसलिए आप देखें ही ना, वो भी खुश रहें आप भी खुश रहें, क्योंकि जाहिर है उनकी ज़िंदगी है, उन्होंने अपना एक फितरत का एक तरीका है गुजारना है, तो मेहमानों की तरह आए मिलें और चले जाएं, ना आपको दुख हो ना उन्हें दुख हो। और ये अब अमल करने लगी हैं आप इसके ऊपर? इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मेरा ख्याल है अच्छा है कि बच्चों को अपनी ज़िंदगी अलग से, ये मैं किसी उससे नहीं कह रही, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वाकई आप शेयर नहीं कर सकते अपनी औलाद को। आपके ख्याल में एक ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप बनता है अगर जी आप? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग, खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ की जो माएँ हैं उनके लिए ये जुमला ये बात हजम करनी बहुत नहीं, मुश्किल हो। नहीं, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी सांसें होती हैं, मैं भी अच्छी होंगी इंशाल्लाह ताला लेकिन ये है कि आप शेयर नहीं कर सकते ना तौसीक, मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए क्यों मुश्किल में पड़े। और फिर पता है क्या, बेटों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह से निभाएं बीवी के साथ भी और माँ के साथ भी, तो इसलिए बेटे को भी मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। जो ये जो मीडिया की पूरी कहानी, इसने बहुत तेजी से अपना सफर तय किया और अब सोशल मीडिया की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज्यादा अहम हो गई है। न्यूज रीडर्स भी जो है उनके अपने पेज और उसको अपडेट रखना और वो क्या आप इन चीजों पे बिलीव करती हैं या आप समझती हैं कि मेरी तरह आप भी पत्थर के जमाने की एक खातून है जो बस हूँ तो पत्थर के जमाने की लेकिन ये है कि कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ साथ जो है वो चलने की कोशिश करूँ, सीखती रहती हूँ बच्चों से, अपने घर के बच्चों से भी। मेरी बेटी रोयाम है और वो काफी कंप्यूटर के अंदर उसकी समझ बूझ ज्यादा है, और बेटा जो है उससे भी पूछती रहती हूँ, लेकिन मैं बाहर भी दफ्तर में जो बच्चे हैं उनसे बहुत पूछती हूँ कि क्या चीज कैसे करनी है, और फिर वो भी मुझे फिर खुशी से बताते जब उन्हें पता होता है कि ये हमारा आंटी का इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। तो ये है कि फिर मैंने फेसबुक पे बनाया और उसके बाद फिर मुझे बच्चों ने बहुत मजबूर किया। एक मेरी एक बच्ची है, उसने मेरा इंटरव्यू किया था टर्किश किसी अखबार के लिए जवेरिया, उसने मुझे बहुत मजबूर किया, उसने कहा नहीं मैडम आप प्लीज़ बनाएं ट्विटर अकाउंट। तो मैंने फिर उनसे पूछ के मैंने कहा अच्छा चलो बनाओ, उन्होंने फिर ट्विटर अकाउंट बनाया। फिर 2-3 दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा आपके तो पता नहीं 20K हो गए। तो मैंने कहा क्या ज़्यादा होते हैं? उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा अच्छा
तो फिर मैं अब पहले जो भी मैं मुझे ट्वीट करना होता है पहले मैं चेक करती हूँ सबको ठीक है कोई ऐसी बात तो नहीं है इसमें क्योंकि सोशल मीडिया का ये भी बड़ा मसला है जरा सी ऐसी वैसी बात होगी तो वो भी फिर एक हाँ पूरा और इसका आग की तरह फैल जाएगी बहुत लेकिन एक बात है कि अगर आप इसको ध्यान से और पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें तौसीक तो बहुत काम की चीज है बेशक अब मैं इस बारे में बिल्कुल पैदल हूँ मैं ट्वीट भी नहीं करता इंस्टाग्राम भी बस फेसबुक है ना करना चाहिए अच्छा ये बताइए कि ये जो जो इदारे हैं पाकिस्तान टेलीविजन रेडियो पाकिस्तान कहा जाता है ये उस्तादों का दर्जा रखते हैं इनसे इंसान सीखता है आप जैसे लोगों से कम से कम लेट मी एडमिट कि इशरत के तलफ्फुज़ और अंदाज़े बयां से मैंने अपनी उर्दू को बहुत दुरुस्त किया उस ज़माने में आपकी सुन के वो कहते हैं ना कि इज्जत को इज्जत होती है तौसीक तो आपको मैंने हमेशा अपने सीनियर्स की और बड़ों की इज्जत करते देखा इसीलिए अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है थैंक यू सो मच ये बताइए कि आजकल के दौर में अच्छी उर्दू सीखनी हो क्या करें क्योंकि मीडिया पे तो बहुत ही अनवाउ अक्साम का तलफ्फुज इस्तेमाल हो तौसीक मैं इस पे ना मैं मेरी रिजर्वेशंस हैं और मैं इस पे दुखी भी बहुत हूँ कि हम अपनी उर्दू को ख़त्म कर रहे हैं उर्दू को अगर मैं फिर माजरत करूँगी अगर किसी को बुरा ना लगे उर्दू मर रही है हम आसान रास्ता ढूंढते हैं कि ये इंग्लिश का लफ्ज़ है एज इट इज़ डाल दो ठीक है क्यों एज इट इज़ डाल दो भाई आप उसके लिए उर्दू का लफ्ज़ बनाएं कुछ दिन वो कानों को अजनबी लगेगा फिर आप आदी हो जाएंगे उसके उर्दू को बढ़ाएं आप मैं पंजाबी स्पीकिंग फैमिली से हूँ मेरी अम्मी उस्ताद थी मेरी अम्मी ने इस पर बहुत काम किया कि हम मेरे बच्चों की उर्दू साफ़ होनी चाहिए आजकल पेरेंट्स जो हैं वो ये कोशिश करते हैं हमारे बच्चों की उर्दू तो छोड़ दीजिए इंग्लिश साफ़ होनी चाहिए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है वो भी होनी चाहिए जो भी ज़बान लेकिन देखिए मेरे बेटे ने ओ लेवल्स में मैंने उसको उर्दू लिटरेचर लेके दी वो आंसुओं से रोता था कि मुझे आपने किस मुसीबत में डाल दिया जाहिर है उसको फैज़ पढ़ना और उसने इकबाल पढ़ना ब्ला ब्ला मैं उसे नोट्स पढ़ पढ़ के सुनाती थी सारी रात उसको कि नहीं आप सुनते जाओ अच्छा फिर वो मुझे सुनाने लगा और बीच में बोलता है कि ब्ला 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 शिक्षत मैंने कहा क्या शिक्षत मैंने कहा क्या दिखाओ मुझे नोट्स उसने मुझे नोट्स दिखाए तो वो शिकस्त लिखा हुआ था अब मैंने सोचा सुबह इसका पेपर है अगर मैंने इसको कहा कि ये शिकस्त नहीं शिकस्त है तो ये शिकस्त भी भूल जाएगा तो मैंने कहा इसको लिखना कैसे है उसने कहा शीन काफ सीन ते मैंने कहा ओके चलो लिखेगा तो ठीक लेकिन मुझे दुख हुआ बहुत इस बात का और इसीलिए मेरी बड़ी कोशिश होती है मीडिया से हम साफ उर्दू कैसे सीख सकते हैं देखिए एक तो लुगत से दोस्ती करें अच्छा अब यकीन करें कि मेरे पास बहुत सारी लुगात हैं और मुझे जहाँ पता चलता है कि कोई अच्छी लुगत है मैं उसको अपने पास रख लेती हूँ और मेरे सरहाने एक लुगत ज़रूर पढ़ी होती है मैं फारिग होती हूँ तो मैं लुगत ज़रूर पढ़ती हूँ और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अच्छा मसलन क्या एक लफ्ज़ देखा उसके मतलब हाँ हाँ उसको पढ़ते रहे और फिर आपको अचानक कोई ऐसा लफ्ज़ नज़र आता है कि नहीं यार ये किस तरह से था फिर लफ्ज़ों के मीनिंग्स आपको पता चलते हैं फिर गलतुल्लाम और सही का आपको पता चलता है ये एक बहुत दिलचस्प काम है वेरी इंटरेस्टिंग इशरत हमारे साथ मौजूद है एक वक्फा मैं ब्रेक नहीं कहूंगा इशरत बैठी ना एक वक्फा लेते हैं कुछ ही दौरानिए का नहीं आपका मशहूरिया ब्रेक बहुत अच्छा है ना मशहूरिया ब्रेक अच्छा है ना बिल्कुल चले जनाब इशरत ने इसकी तौसीक कर दी है तो इसलिए हम मशहूरिया ब्रेक लेते हैं अभी मिलते हैं रहिए हमारे साथ आज की नशिस्त में इशरत साकिब हमारा साथ दे रही हैं जब हमने इनको इस नशिस्त में मदऊ किया तो हमने सोचा कि वो तशरीफ़ लाएंगी हमारे दिल को खुशी महसूस होगी लेकिन मदऊ करने से लेकर आज की सुबह तक का सफ़र कुछ इतना सहल ना था दुश्वारियां थीं सबसे बड़ी दुश्वारी इशरत साकिब का मानना था मानी पहुँची और इज़्ज़त अफजाई की कैसी उर्दू बोली मैंने बहुत खूबसूरत है ना माशाल्लाह ये वैसे कोशिश की जाए तो मुश्किल अल्फाज के साथ उर्दू बोली जा सकती है मैं ये समझता हूँ हमारे अंदर ज़बान मौजूद होती है हम उसको 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 इस्तेमाल नहीं करते जी तौसीक मैं एक जुमला अक्सर कहा करती हूँ
कि अच्छा बोलने के लिए ज़रूरी ये है कि लफ्ज़ आपके कंट्रोल में हो, आपके काबू में हो, लफ्ज़ आपके मुंह से उछलते कूदते दौड़ते भागते गिरते ना पड़े, मतलब वो आपके कंट्रोल में हो। वाह वाह वाह, उछलते कूदते मतलब एक खूबसूरत सी शक्ल दें आप लफ्ज़ को और फिर वो आपके मुंह से निकले तो वो अगले के कानों को बहुत भला लगेगा। अच्छा, एक काम जो तासुर ये भी है कि जब 80 की दहाई में या 90 की दहाई में जब प्राइवेट चैनल्स नहीं थे तो उस जमाने के जो पाकिस्तान टेलीविजन के आर्टिस्ट बन गए उसमें एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी हकीकत ये भी थी कि सिर्फ एक चैनल हुआ करता। हाँ जी, मैं इस पे मेरी बड़े शदीद तहफ़ुज़ात हैं। अच्छा, बताइए। ये मैं अक्सर लोगों से सुनती हूँ कि जी न्यूज़ रीडर्स इसलिए मकबूल हैं उस वक्त के चैनल एक होता था तो लोग मजबूर होकर सुनते थे। ये बात नहीं है। देखिए, उस वक्त भी कुछ ऐसे न्यूज़ रीडर थे जो आज लोगों की याददाश्त में महफूज नहीं है, ठीक है, और आप जानते हैं इस बात को। बेशक आप बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन वो चीज़ हमेशा याद रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो वो अल्ताफ हुसैन हाली का मुकदमा है शेर व शायरी, अगर किसी ने पढ़ा हो तो, कि शेर जो है वो याद रहता है जो दिल से निकला होता है। जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंचती है। जो काम आप दिल से करते हैं वो इतना खूबसूरत होता है कि वो अगले के याददाश्त में दिल में महफूज रह जाता है। तो ये वो लोग थे, चाहे वो अदाकार हों, चाहे वो गुलकार हों, चाहे वो न्यूज़ रीडर हों, जिन्होंने दिल से काम किया और वो लोगों की याददाश्तों में महफूज हैं आज तक। आज भी जो लोग दिल से काम कर रहे हैं बिल्कुल वो यादों में रहे। बिल्कुल, एग्जैक्टली, वो भी लोगों की यादों में हैं। लोग उनको रजिस्टर करते हैं, फिर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। अच्छा चलिए, मैं तो अभी तक काम कर रही हूँ तो इसलिए मैं लोगों को याद हूँ। खालिद हमीद क्यों याद हैं, अज़हर लोधी क्यों याद हैं, सुरैया शहाब लोगों को क्यों याद हैं, महपारा सफदर हैं, अर्जुमन शाहीन हैं, अब्दुस्सलाम साहब हैं, शाइस्ता आपी तो खैर बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, सभी बड़े नाम हैं। और शाइस्ता को तो मैंने उनकी आंखों में देखकर मैं जान पकड़ा करती थी, माशाल्लाह वो बहुत बहादुर औरत हैं। बेशक बेशक, और हमारी ये कोशिश भी है कि उनको भी किसी दिन ज़रूर बनाना है। और शाइस्ता से मैंने बहुत सीखा सीखा तो माशाल्लाह, मैंने जाहिर है हमारे यहाँ कोई एकेडमी तो है नहीं तो सीख, हम एक दूसरे से ही सीखते हैं और सीखता भी वही है जो चाहता है, हर बंदा जो है वो सीखना नहीं चाहता। तो शाइस्ता का ये है कि शाइस्ता को आप खबरनामे से, मैं दो मिनट पहले भी फ़ोन करती थी तो जैद साहब उठाते थे और कहते थे शाइस्ता नमाज़ पढ़ रही हैं, मैं मायूसों के फ़ोन बंद कर देती थी। लम्हे नहीं गुजरते थे और फ़ोन आता था शाइस्ता आपी का कि मैंने फ़ौरन सलाम फेरा और मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा तुमने क्यों बंद किया जैद फ़ोन, उसका खबरनामा होने वाला होगा, कोई लफ्ज़ पूछ रही होगी और फिर वो बताती थी ना, बहुत बहुत ही अच्छी खातून। मैं आपका जब वैसे प्रोफाइल देख रहा था तो मैंने आपके नाम के साथ एक लफ्ज़ जुड़ा हुआ नहीं देखा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। मुझे ख्याल था आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं नहीं मिल चुका हूँ। नहीं, अल्लाह करे, अल्लाह मियां आपकी ज़बान मुबारक करे। अच्छा। मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला हुआ है जो इससे छोटा होता है। मुझे ये बताइए कि ये अवार्ड्स और इकराम और सताइश ये एक फनकार के लिए कितनी ज़रूरी है, और अगर ये ना मिले तो क्या दुख होता है? आपको दुख है कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला? हाँ, मुझे इस हवाले से दुख है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी जो मुझे अपने, अगर मैंने कुछ किया है तो, अगर कुछ किया है तो इसका जो मुझे सिला मिला है ना वो लोगों की मोहब्बत है और लोगों की इज्जत है। मतलब मैं उसका, उस ज़ात का और इन लोगों का बिल्कुल भी कोई अदा नहीं कर सकती हक। लेकिन मुझे अवार्ड हमेशा उस वक्त मिले जब ख़त्म हो जाते थे लोग और मैं ही बचती थी। तो <I love it. laughs> कि जब गिनती ख़त्म होगी तो फिर भी इज्जत को भी दे दो, तो उस वक्त मज़ा नहीं आता चीज़ का ना। उस वक्त मज़ा नहीं आता। अब लाइक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है तो वो मेरा दिल इसलिए चाहता है कि अब मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, तब मेरे बच्चे छोटे थे, उनको पता ही नहीं था माँ क्या कर रही है। तो अब मेरे बच्चों को पता चलेगा अगर वो देखेंगे, अगर कोई समझे इस काबिल मुझे तो मैं उनके चेहरे पे वो खुशी देखना चाहती हूँ। और मेरा ये भी दिल चाहता है कि ये खुशी मुझे मेरी ज़िंदगी में मिले। कल को मैं मर जाऊँगी तो अखबारों में, टीवी में, रेडियो में दो दो लाइनें तो सबने बोल देनी है, मुझे उसका क्या फ़ायदा? मुझे अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहिए ना, अपनी मेहनत की।
हमारे एक दोस्त हैं इरफान अहमद उर्फी, आप भी जानते हैं, राइटर जो हैं, वो एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं कि अमूमन जब कोई फनकार या आर्टिस्ट इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी याद में अगली शाम या उसी शाम एक प्रोग्राम किया जाता है जिसमें उसके तमाम अहबाब रफका आते हैं और उसके उसके बारे में उसके लिए सताइश के कलमात इस्तेमाल करते हैं और उसका कहते हैं कि वो उसकी जिंदगी में होना चाहिए ताकि वो खुद देखे तो उसको जो याद में प्रोग्राम उसकी जिंदगी में हो, वो उसको उस याद से क्या मिलेगा। मैंने आपको एक बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त जिस मकाम पर हूँ, मैं एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर काम कर रही हूँ। जाहिर है मेरे शौहर घर चलाते हैं और मेरा ये शौक़ है जो पूरा हो रहा है, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, रूही बानो को देख लीजिए आप, गुलबहार बानो को देखिए, फिर आप मैंने अली एजाज का इंटरव्यू देखा, फिर मैंने ऐसे बहुत से नाम हैं जो कि जिन्होंने हमारी यादें सजाई। इरफान खोसट की मैं बात करूंगी, वो अपनी वालदा का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरी माँ ने मेरा नसीब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मेरी माँ मेरा नसीब लिखती तो मेरी जिंदगी में इतनी मुशक्कत ना होती। और ये मुशक्कत आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हम एक एक सीढ़ी चढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। इरशाद, आपसे बात का हमेशा लुत्फ आता है, आज भी आ रहा है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ हम सब वक्त की कैद में हैं जी। और इस नशिस्त जाहिर है इसने भी अपने अख्ताम तक पहुँचा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लुत्फ आया, जीती रहिए इसी तरह, मुस्कुराती रहिए, एंड बहुत वाकई शुक्रिया कि आप आखिरकार मान गई। नहीं नहीं, आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया और आपको कभी इनकार नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया कि आपने इशरत साकिब और मेरे साथ ब्रेकफास्ट एट होम की ये नशिस्त तजुर्बे में लाए, महसूस भी हुए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जिंदगी ने दी इजाजत तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।